नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं करूंगा टपारिया 450 mm पाइप रिंच का रिव्यू। देखिए ये रिंच है, ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल न्यू है। इसको मैं जो है फ्लिपकार्ट से परचेज किया हूं। दोस्तों 4-5 दिन पहले जो है मेरा जो पाइप रिंच था पुराना वाला, वो ही टपारिया का ही था, काफी पुराना हो गया था, जिसकी वजह से वो जो GI पाइप था उसको खोलते वक्त जो है वो टूट गया। इसलिए मैं इसको नया परचेज किया हूँ और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टपारिया जो है काफी मानी जानी कंपनी है, टूल्स बनाती है, ये पाइप रिंच हुआ, ये रनकी सेट हुआ, प्लायर हुआ और क्रिम्पिंग टूल हुआ, इस तरह से मतलब कई चीज जो है जो टपारिया बनाती है और सिर्फ टूल्स बनाती है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको और आपसे एक भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों मेरा एक फेसबुक पेज भी है, सोनू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड प्लम्बिंग सिस्टम के नाम से, ठीक है? तो वहां पे जाके भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी वीडियो और पोस्ट जो है अच्छी अच्छी फोटो मैं अपलोड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है वो रिंच जो देखिए दिखाई दे रहा है, ये टपारिया 450 mm है, इस पे लिखा हुआ, ठीक है? यानी कि ये जो है फ्रेंड्स ये 1.5 फीट का है, ये 450 mm है, 1.5 फीट का हुआ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स ये जो है और उससे कैसे बेहतर है, इसमें जो है इसका ये स्प्रिंग होता है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से फ्लेक्स हो रहा है, ये देखिए कितना ये मुलायम है, ठीक है? ये वाला जो पुश हो रहा है और ये जो इसका गियर दिखाई दे रहा है जो आगे पीछे होता है इसको घुमाने पे, ये वाला, ठीक है? ये देखिए काफी इजीली जो है ये देखिए इस तरह से आगे पीछे हो रहा है, ठीक है? और सबसे बड़ी खासियत बात ये है इसकी, जब हम किसी पाइप को पकड़ते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से पकड़ते हैं तो अगर हल्का सा लूज भी होगा तो भी ये एडजस्ट कर लेता है इस तरह से। तो ये जो है इसकी सबसे अच्छी बात है, ये टपारिया पाइप रिंच का, टपारिया का जितना भी रिंच है उसमें इस तरह से दिया रहता है, ठीक है? और बाकी जो होता है वो हार्ड होता है, वो जल्दी टूट जाता है उसका लार। और इससे जो है इससे 3 इंच तक पाइप को हम आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए चलिए मैं अभी खोल के इसको दिखाता हूँ पूरे, देखिए कितना आसानी से ये घूम रहा है, ठीक है? अभी पूरा खोल रहा है ये, अभी देखिए फ्रेंड्स ये पूरा खुल गया, अभी इस तरह से निकल गया, ठीक है? ये निकल जाता है तो यानी फ्रेंड्स जितना मैं खोला हूँ ये देखिए इतना खुल रहा है, तकरीबन 3.5 इंच तक ये खुल रहा है। तो अभी इसको इसको फ्रेंड्स मैं अभी लगा देता हूँ। तो देखिए सबसे अच्छी खास बात ये कि इसकी ये निकल जाता है, अलग से निकल जाता है, ठीक है? इसको जो है फ्रेंड्स हम 3 इंच तक पाइप को एकदम आसानी से खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा जितना भी टूल्स है, ठीक है, वो टपारिया का है, प्लायर भी टपारिया का है, पाइप रिंच भी मेरा टपारिया का ही है, ठीक है? 4-5 रिंच है मेरे पास, वो सब टपारिया का है। और फिर जो प्लायर है प्लायर भी टपारिया का ही यूज करता हूँ, वैसे इलेक्ट्रीशियन जितने होते हैं सब टपारिया ही यूज करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है टपारिया वाले का, ठीक है? तो फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए, सोनू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड प्लम्बिंग सिस्टम के नाम से, ठीक है? मैं मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।